भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश नाम का एक बहुत बड़ा राज्य है, जिसमें देवरिया नाम का एक जिला है, और इस देवरिया नामक जिले में नगवा खास नाम का एक गांव है। बरसात के इस मौसम में जहां पर चारों तरफ पानी से हाहाकार मचा हुआ है, आइए देखते हैं नगवा खास नामक इस गांव में क्या स्थिति है। नगवा खास, रुद्रपुर, देवरिया जो गोरखपुर मंडल में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो नगवा खास के उत्तरी क्षेत्र का, उत्तरी दिशा का जगह है। ये पास आप पीपल का वृक्ष देख रहे हैं, इन्हें मराठी विवाह के नाम का नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि मराठी विवाह का इस पर निवास है। और ये बगल में जो बगीचा टाइप दिख रहा है, ये बवनरा की बारी बोली जाती है। देखिए पूरे खेती भी पानी से डूब चुके हैं, बाढ़ के पानी से। जो राप्ती नदी यहाँ पर है और पूरे उफान पे है, हर तरफ पानी पानी हो चुका है। जहाँ तक नज़र जा रही है, इस पार से लेकर के उस पार महाज तक, रियावे की सीमा तक फैला हुआ है। देखिए ये आपका रियाओं का सीमा है, रियाओं आसान पार पकड़े हुए। और ये बगीचे से गुमती नदी कटानी हमारे यहाँ बोले जाते हैं इसको, ये कटानी का सीन है। और आगे हम आपको फिर दिखाएंगे पानी का स्रोत। हम आपको बता रहे थे अभी तक गांव की उत्तर दिशा की बंधे से पश्चिम का सीन, और ये बंधे से पूर्व का सीन जो पहन बोले जाते हैं। अगर बारिश ने पूरी खेती को अपने चपेट में ले लिया है, तो बारिश का पानी जमा हुआ है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये देखिए दूर दूर तक खेतों में पानी लगे हुए हैं, फसल पूरी तरह से लगभग बर्बादी हो चुकी है। यह छोटी बगीचा और बड़ी बगीचा का सीमा रेखा है। इसके उत्तर दिशा में बड़ी बगीचा शुरू होती थी, इसके दक्षिण दिशा में छोटी बगीचा शुरू होती थी। रिंग बंधे के अंदर ही आता है।
जो कटान पे बांध बांधा गया है। ये देखिए रिंगबंदे का रोड है और इसके पूर्व में देखेंगे तो खेती में पानी बारिश का जमा हुआ है। इस बंदे के पूर्व दिशा में बारिश का पानी और बंदे के पश्चिम दिशा में बाढ़ का पानी यानी नदी का पानी। ये सब रिंगबंदे के पूर्व दिशा में जो बारिश का पानी भरा हुआ है, खेतड़ी में बारिश का पानी पूरा जमा हुआ है, ये सब बारिश के पानी है। ये सुखू के बगीचे बोले जाते हैं। देखिए इसमें हरिवंश यादव और तमाम लोगों का खेत है, रामानंद यादव, आगे सीधे चला जाइए गुप्ता टोली का कुछ खेत है, सब पानी से भर चुके हैं। आ गए हैं गांव के दक्षिण दिशा में असंतर घाट पे, ये भी खेती में पानी नदी के ऊपर आ चुके हैं और नदी के पानी से खेती पूरी तरह नष्ट हो चुका है। ध्यान पे देखने पता चलेगा कि मछलियां, कुछ लोग अपनी जाल लेकर के मछलियां मार रहे हैं। राजकुमार माली जो है उनके घर के पश्चिम दिशा की नदी है, यानी सुमित घाट बोलते हैं इधर के, सब इस साइड की है। हमारे गांव में जो कटान सबसे ज्यादा होता था पहले, वहां का सीन है। ये राम भजन यादव का मकान है, तिलक यादव। ये अपने गांव का जो रिंग बंधा है, कटान जो हुआ तो वहाँ पे रिंग बंधा बंधा हुआ है। उस रिंग बंधे और पुराने और नए बंधे के बीच में जो भी खेत थे, बगीचे थे, डूब गए हैं। या चंद्रदेव बाबू और रामानंद बाबू यानी चंद्रदेव और रामानंद राव की खेती सब है, इसमें पानी जल जमा हो चुका है। इसमें शायद आदमी को था न मिले, यानी आदमी को डूबने भर के पानी से। यह है असम पार का पुल, असम पार नगवा खास, और हमारे गांव के श्री प्रताप राव और हरिंदर सानी जो इस ब्रिज का नजारा ले रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। अब हम आ गए हैं ब्रिज धारे में, यानी नदी के धारे में। अभी दिन आपका पूरा चढ़ा हुआ है, उस पार आप असम पार का नजारा देख सकते हैं और हम बीच धारे में खड़े हैं नदी के। अगर एक तरह से बोले तो अभी अपने में बीच धारे में नहीं गए हैं, अपने पार में ही हैं, क्योंकि नदी बहुत लंबी चौड़ी है, फिर भी धारे में आ चुके हैं बीच पे।
ये ब्रिज के पश्चिम का सीन है। उस पार भी नदी के पानी से डूबा हुआ, रिया से पकड़े गरिया कुल तक सब डूबा हुआ है महाज पानी में। जितने महाज हैं इसमें सब पानी चला गया। और देखिए ब्रिज है, और ये धारा बहती हुई पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाती हुई आगे पुरु टोला डढ़िया बारी टोला ये सब पड़ते हैं। अभी आप जो भी अपने गांव के उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण तरफ देखे राम शिवम के तरफ से, और यहीं पर सीमा समाप्त होती है। धन्यवाद।